हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। तो हमारा सुबह का रूटीन देखो, अब सुबह के बज रहे थे 6:30 और हमने करी पूजा माता रानी की। जोत जलाई, जोत तो हमारे अखंड जल रही है, पर उसके बाद हमने माँ की करते हैं हम अग्यारी। अग्यारी पे सामग्री लौंग, गूगल, कपूर और उनका भोग, गुड़ और बताशा जो भी होता है वो रोज़ का अलग अलग, उनको हम भोग लगाते हैं। और उधर हमारी खेतरी देखो इतनी बड़ी हो गई है। तो हम मैं और शिखा कर रहे थे पूजा, ये हमने पूजा करी है माता रानी की। ये अग्यारी पे सामग्री और लौंग कपूर जो पूजा के होते हैं। इधर हमारी रखी है रामायण, तो डेली रामायण का पाठ करती हूँ। जो माता रानी कराती है वो मैं पूजा करती हूँ। हम क्या कर सकते हैं, माता रानी के चरणों में बैठ के 2 मिनट बस अपना भाव प्रकट करते हैं, बाकी तो सब वही कराती है। जिससे जो कराना होगा वो कराती है। अगर भगवान पे विश्वास है ना, तो बस भगवान वही कराते हैं जो तुम चाहते हो। अगर तुम्हारे दिल में प्यार है ना भगवान के दिल से, तो ज़रूर भगवान सुनते हैं और सुनेंगे, एक ना एक दिन ज़रूर सुनते हैं। कभी हमारी भी भगवान ज़रूर सुनेंगे। तो बस इसी आस में, विश्वास में और मैं काम करती हूँ और मैं करती रहूँगी माँ की अपने जो भी है। तो ये अब मैं अग्यारी करने के बाद में पढ़ूँगी रामायण, और रामायण की चौपाई है कुछ उनको पढ़ूँगी। उसके बाद फिर हमने बनाया है यहाँ लंच। लंच बना के रख दिया, क्योंकि सिखा जाती है लाइब्रेरी, तो उसके लिए मैंने बनाया खाना और वो तैयार हो रही थी। तैयार होके और बस उसका लंच पैक करूँगी इतने ही। और आरती मेरी वीडियो बना रही थी तो बहुत हंस रही थी, पता नहीं किस बात पे उसकी हंसी छूट गई और वो हंसी उसकी बंद नहीं हो रही थी बस। तो अग्नि देवता को जिमा दिया, अब मैं उसका लंच तैयार करके उसको दे दूँगी। वो लाइब्रेरी अपना चली जाएगी और इसके बाद जाऊंगी मंदिर। मंदिर से आके फिर मैं बनाऊंगी व्रत वाला खाना। तो व्रत की थाली में आज मैंने क्या बनाया है वो मैं आपको आज इसी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है। तो अभी तो बस सिखा जा रही है उसके बाद, और हमारे शर्मा जी ने पूजा कर ली, वो भी पूजा के लिए बैठे हुए हैं। और बस अब ये मेरा लंच हो गया पैक और मैं चली जाऊंगी मंदिर। मंदिर से आके फिर पीऊंगी चाय। चाय पीने के बाद मैं 2:30-3 बजे के करीब मैं बनाऊंगी व्रत वाला खाना। व्रत के लिए, भोग लगाने के लिए महारानी को कुछ तो चाहिए होता है ना, तो उसके लिए मैं अलग अलग खाना बनाती हूँ डेली का, जो महारानी को पसंद आता है। तो बस खाना, और हमने बनाई थी आज मिक्स वेज। बस अब मेरी अब ये मेरे राधा माधव का भोग बन रहा है यहाँ पर। भोग बनाने के बाद में भोग लगा देगी, अपना चाय ले लेगी, चाय पी के अपना निकल जाएगी। तो बस कोई बात नहीं है, पढ़ाई है बच्चे की, पढ़ेगी तभी कुछ करेगी ना। बस भगवान से ये दुआ करती हूँ कि इसका CA क्लियर हो जाए। आप सब लोग जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं, सबसे यही विनती करती हूँ कि इसको अपना आशीर्वाद दें और ये बहुत CA बन जाए। तो यहाँ मैंने अब तैयारी कर दी शाम की, और इस टाइम पे बज रहे थे 3:00-3 बजे मैंने बनाया भोग। बनाते बनाते मुझे बज जाएंगे 4:00 और 4 बजे तक ये मेरा भोग तैयार हो जाएगा। फिर महारानी का मंदिर करके उनको लगाऊंगी भोग। और आरती इतना हंस रही थी, पता नहीं किस बात पे उसको हंसी छूट गई, तो रुकी नहीं रही थी, पता नहीं क्या ही हो रहा था। तो ये मैंने लौकी ली है, लौकी को मैं कद्दूकस कर रही हूँ, सॉरी लौकी नहीं है ये खीरा है, खीरा को मैं कद्दूकस कर रही हूँ। और कद्दूकस करके इसका बनाऊंगी रायता, और ये डाला मैंने खीरा। खीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी दही, और दही डाल के इसमें थोड़ा सा दही और ले लूँगी,
तो व्रत में आप कैसा खाना बनाते हैं? ये मैंने फिर फ्रिज में, हमारा फ्रिज बिल्कुल ख़राब हो गया, लेकिन एक आदत बन गई है फ्रिज में हर चीज़ रखने की। फ्रिज चल नहीं रहा है, लाइट जल रही है बस उसकी, और कुछ नहीं है उसमें, ख़राब हो चुका है। बुक करा दिया है, देखो कब तक आता है हमारा फ्रिज। छोटे वाले बेटे ने, दोनों भाइयों ने मिल के फ्रिज को कर दिया बुक, तो अब देखो कब तक आएगा। और हमने मंगाया रिलायंस से, देखो कैसा उसका निकलता है। और इसमें मैंने काटी हरी मिर्च, चटपटा सा रायता, और इसमें डालूंगी नमक, काली मिर्च। और ये हंसाई जा रही है मुझे, और ये कुछ बोल रही थी मेरे को बस। इसमें मैंने कट करके डाला पुदीना, पुदीने की ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। कूट के नहीं डाल रही मैं, काट के डाल रही हूँ। ये रायता बन रहा है हमारा, और पुदीने की और धनिए की, हरी मिर्च की मैंने बनाई है चटनी इसके साथ। और मैं क्या बना रही हूँ मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें। तो इस वीडियो में मैं, अब मैंने खीरे को छील के और जितने भी था काट के रख लिया। ये हमने बनाया है अंदर की फिलिंग, आलू, काली मिर्च, हरी मिर्च, धनिया और नमक, इसमें मैंने मिक्स करके ये मैंने बना ली अंदर भरने वाली फिलिंग। तो मैं क्या बना रही हूँ सॉरी, तो ये काली मिर्च गई, और ये है साबूदाना और सिंगाड़ी सॉरी समा के चावलों का आटा। इसमें हरी मिर्च भी काट दी है मैंने, और इसको मैं अच्छे से गूंद लूंगी। ये है आटा, दोनों को मिक्स करके पीसा है मैंने मिक्सी में। तो बस इसकी बनाऊंगी मैं कचौड़ी, आलू की, आपने गेहूं के आटे की, सबकी कचौड़ियाँ खाई होंगी, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कचौड़ियाँ कैसे बनाई हैं। और ये व्रत वाली कचौड़ी है व्रत में, और देखो मैंने आटे को मल लिया है। आप चाहें तो इसमें आलू डाल सकते हैं, मैंने आलू नहीं डाले हैं, मैंने सिर्फ खाली साबूदाना और सिंगाड़ी का आटा, सॉरी समा के चावलों का आटा मैंने मल लिया। अब इसकी मैं गोल गोल अब पेड़े बना लूँगी, और इसको जैसे हम कचौड़ियाँ भरते हैं ना, वैसे ही इसकी फिलिंग अंदर भरेंगे, बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। तो आज मैंने माता रानी को भोग में बनाया है कचौड़ियाँ, और धनिए की चटनी, पुदीना धनिए की चटनी, और रायता, और सलाद, और मीठे में बनाई है सवा के चावलों की खीर। तो ऐसे मैं भर के सारी कचौरी भर के रख लूँगी, और बहुत अच्छे सिम पर इनको पेशेंस के साथ सेकना होता है, कि सिम गैस के ऊपर हम नहीं पकाएंगे। इसमें हरी मिर्च थोड़ी मोटी कट गई थी एक, तो वो बड़ी परेशान कर रही थी, उसको मैंने अलग निकाल दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको मैं धन्यवाद करती हूँ, मुझे पसंद करते हैं। और ये मैंने इसमें डाल दी कचौरी, और बहुत खस्ता बनती है, और करारी क्रिस्पी बन के तैयार होती है, खाने में बहुत मज़ा आता है इसको। तो एक बार आप व्रत में ज़रूर बनाएं, आप व्रत में भी नहीं है, आपका व्रत नहीं है तभी भी आप इसको बना के खाएंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा ठंडा तेल था मैंने उसमें डाल दी, तो ये नीचे चिपक गई थी, तो मैं इसको हटा रही हूँ, थोड़ा सिक जाएगी ना तो ये अपने आप छूट जाएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे ढेर सारा ऐसे ही प्यार देते रहें। खीर भी बन के तैयार हो गई है हमारी, और कचौरियाँ भी बननी है। इसके अंदर मैंने आलू की फिलिंग भरी है, ये देखो हमारी कचौरी बहुत सुंदर कचौरी बनती है। इस आटे से आप कुछ भी बना सकते हो, आटे की रेसिपी मैंने डाल रखी है कि कैसे बनाना होता है इस आटे को, तो मैं इसमें बता भी देती हूँ। जैसे हमारा साबूदाना एक कटोरी है, तो आधी कटोरी हमने समा के चावल लेने हैं, और उनको थोड़ा रोस्ट कर लेना है, और उसको पीस लेना है, चावल आटा बन गया। तो ये हमारी आज की थाली व्रत वाली, तो ये पुदीना और धनिया और हरी मिर्च की चटनी, और ये हमारी कचौरियाँ, ये हमारी समा की खीर और रायता, और इधर भी सिक रही हैं पेशेंस के साथ साथ।